1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई, कुछ ऐसा रिटर्न दिया था जॉकी लेड पेज इंडस्ट्रीज ने, ये हम सबको पता है। बट हमारे दिमाग में अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता। सबसे पहला कि ये जॉकी एक प्रीमियम सेगमेंट इनरवेयर बनाता था, 1990s में इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट इनरवेयर कैसे आया। दूसरा, जॉकी कंपनी को जो इंडियन ग्रुप इंडिया में लाया उसके रूट्स तो इंडियन थे लेकिन उसका कोई भी ऑपरेशन इंडिया में रन नहीं होता था। तीसरा, पेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ इट्स शेयर प्राइस, लेकिन क्या हम पेज इंडस्ट्री की इस केस स्टडी से नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। The first company on the radar is Page Industries. Needs no introduction. The manner in which the stock has rallied. Page Industries reported highest ever revenue and profits in quarter two. Volume growth led by enhanced distribution reach, new launches, and increasing preference for premium products fueled the performance. Look at the ROEs for FY17 itself. That is around 45%, way and far ahead as compared to its peers. और interesting चीज ये कि एक जमाने जब ये list हुआ था, तब ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। इसका इशू सिर्फ 1%, 1 गुना सब्सक्राइबर था, 100 करोड़ का एक छोटा सा इशू था, जो आज इस तरह का क्वांटम है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी दिखी जॉकी ब्रांड को, जिन्होंने देखा कि इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट ऑफ इनरवेयर का बहुत बड़ा मार्केट है जो अभी भी अनटैप्ड है। अकॉर्डिंग टू द लॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया, किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में एंट्री लेने के लिए एक इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना नेसेसरी था। बहुत सारे इंडियन कंपनी ने जॉकी को अप्रोच किया, बट जॉकी हैड सम अदर प्लान इन देयर माइंड टू गिव दिस लाइसेंस। जॉकी ने जिस कंपनी को चूज किया वो एक इंडियन सिंधी फैमिली थी फ्रॉम फिलीपींस, विच हैड अ कोलैबोरेशन विद जॉकी इवन बिफोर 1959। आइए जानते हैं इस फैमिली की स्टोरी को। इस फैमिली का नाम था गेनोमल फैमिली। ये फिलीपींस में काफी टाइम से काम कर रहे थे विद देयर कंपनी नेम वी वीला रमन। एंड इनका काम बेसिकली इतना था कि आसपास की कंट्रीज में से गारमेंट्स को इंपोर्ट करते थे एंड फिलीपींस में बेचते थे। इसके अलावा फिलीपींस में US मिलिट्री काफी टाइम से थी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, एंड US मिलिट्री के काफी सोल्जर्स जॉकी के इनरवेयर सेगमेंट को ही प्रेफरेंस देते थे। उनको देख देख कर फिलीपींस के लोगों ने भी जॉकी के इनरवेयर सेगमेंट की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो वहीं से वी वीला रमन की जो कंपनी थी उन्होंने अप्रोच किया जॉकी को, जहां पर जॉकी ने पहली बार एक 20 इयर्स का लाइसेंस प्रोवाइड किया वी वीला रमन कंपनी को, जहां पर उनको ये लाइसेंस मिला कि वो जॉकी के गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे। तो गेनोमल फैमिली एंड जॉकी का जो बॉन्ड था वो काफी पुराना था, जो कि फिलीपींस के टाइम से चलता आ रहा था। अब जब जॉकी को इंडिया में आना था तो उनको चूज करनी थी अपने लिए एक अच्छा इंडियन ग्रुप। तो उन्होंने सोचा रादर देन चूजिंग इंडियन ग्रुप, क्यों ना वो अपने साउथ ईस्ट एशिया के पार्टनर गेनोमल फैमिली को प्रेफरेंस दे। एंड वहीं पर उन्होंने उनको प्रपोजल भी पुट फोर्थ किया। गेनोमल फैमिली बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और खुश भी थी, लेकिन इससे पहले वो ये जानना चाहते थे कि इंडियन मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि वो इंडिया में अपने कोई भी ऑपरेशंस को रन नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने एक मार्ग नाम की मार्केट रिसर्च कंपनी को हायर किया, जहां पर उन्होंने इंडिया में इनरवेयर सेगमेंट और प्रीमियम इनरवेयर सेगमेंट की रिसर्च करने को कहा। वहां पर उन्हें पता लगा दैट इंडिया में इनरवेयर सेगमेंट, खासतौर तक प्रीमियम सेगमेंट का बहुत ज्यादा गैप एम्प्टी पड़ा हुआ था, जिसको कोई भी कंपनी आराम से कैप्चर कर सकती थी। तो वहीं से उन्होंने इंडिया में अपनी शुरुआत को करना शुरू किया। इसी के साथ ही उन्होंने शुरुआत करी एक नई कंपनी की और उसे नाम दिया पेज। ये नाम पड़ा उनकी मदर के नाम से, जिनका नाम था पार्वती घेनोमल। तो उनके पहले दो नाम के इनिशियल्स को लेकर उन्होंने पेज इंडस्ट्री की शुरुआत की। अपने इंडिया के ऑपरेशंस बिगिन करने के बाद विद इन 4 ईयर्स कंपनी वॉज प्रॉफिटेबल इन 1998। इसके बाद 2005 में पेज इंडस्ट्रीज इवन वन द बेस्ट लाइसेंसी अवार्ड फ्रॉम जॉकी। इसके बाद अगला माइलस्टोन आया इन द ईयर 2007, जब कंपनी लिस्ट हुई ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। वैसे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड दे कुड हैव इजीली रेज्ड कैपिटल फ्रॉम अदर सोर्सेस, बट उन्होंने लिस्ट होना इसलिए चूज किया बिकॉज बीइंग इन द पब्लिक आई एंड बीइंग आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स kept them on their toes and inculcated a habit of financial discipline. लिस्टिंग होने के बाद, as you know, कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। In fact, its CAGR over the last 15 years has been 40%. लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की हमेशा से इस कंपनी के बारे में एक कंप्लेंट रही है कि इसका पर शेयर प्राइस इतना ज्यादा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स could not afford to invest in this company. Normally, जब भी कंपनी का पर शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कंपनी यूजुअली स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस कंसिडर करती है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि नंबर 1, उन्हें वोलेटिलिटी कम रखनी थी।
नंबर टू, उन्हें स्पेकुलेटर्स को दूर रखना था इस स्टॉक से, एंड नंबर थ्री, उन्हें होस्टाइल टेक ओवर अवॉइड करना था। कंपनी के इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए 2011 में जॉकी ने स्पीडो यानी एक स्विमवेयर ब्रांड का भी लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कंपनी को। चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन की। इंडिया में वैसे तो डॉलर, वीआईपी, रूपा जैसे काफी सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये सारे ब्रांड्स केटर कर रहे थे इकोनॉमी सेगमेंट में। मीडियम एंड प्रीमियम सेगमेंट में अभी भी बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी अनटैप थी, एंड ये अपॉर्चुनिटी टैप की जॉकी ने। बेशक उसके बाद सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट्स में टॉमी हिलफिगर एंड सीके जैसे ब्रांड्स ने एंट्री ली, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट जो था वहां पर जॉकी ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाए रखी, एंड यहां पर इसका कोई और कंपटीशन नहीं था। जॉकी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एज के थे थ्री रीजंस। सबसे पहला रीजन था क्वालिटी। जॉकी के लिए क्वालिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी, एंड इस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उनका मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी प्रोसेस था वो सब इनहाउस ही केटर करते थे। सेकेंड थी उनकी ब्रांड वैल्यू। पुराने टाइम में रूपा, लक्स, डॉलर ये कोई खास ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाते थे इन द आईज ऑफ देयर कस्टमर। जॉकी ने इसी चीज को टैप किया। पुराने टाइम में देखा जाए तो लॉन्जरे या फिर इनरवेयर मार्केट को एज अ टैबू समझा जाता था, एंड खुल के इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था। यहीं पर जॉकी ने एक ट्रांजिशन लाया फ्रॉम बींग अ ब्रांड पुश टू ब्रांड पुल। ब्रांड पुल यानी कि जब आप किसी चीज को देख कर उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हो, एंड तब आप उसके स्टोर में एंटर करते हो। बिलो द शेल्फ प्रोडक्ट्स को अबव द शेल्फ लाया गया, और तो और मैनिक्विंस के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले को भी इंक्रीज किया गया। इसके साथ साथ जॉकी ने और बहुत से कैंपेन्स को भी रन किया ताकि उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन अच्छे से की जा सके। उनके कुछ दो फेमस कैंपेन्स थे, जॉकी नथिंग लेस, जॉकी और नथिंग। तीसरा रीजन था कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग स्ट्रैटेजी। रूपा, लक्स, डॉलर ये इसी चीज में सबसे ज्यादा लैक करते थे, एंड इसी के कारण अनऑर्गेनाइज थे, लेकिन कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा सीरियसली लिया। यहाँ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना शुरू किया स्मॉल रिटेल स्टोर्स में, MBO यानी कि मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स में, EBOs यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में, और तो और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। रिटेल स्टोर्स में जहां पर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग आते थे, तो वहीं MBOs और EBOs में मिडिल इनकम से लार्ज इनकम ग्रुप के लोग भी आते थे। इस तरीके से जॉकी की इस स्ट्रैटेजी ने उन्होंने मैक्सिमम इनकम ग्रुप को कवर किया। यही तीन रीजंस ने बनाया जॉकी को एक मल्टी बैगर स्टॉक, एंड यही तीन रीजंस हैं किसी भी बिजनेस हाउस के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, एंड यूज करें कूपन कोड दशहरा, जहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर। थैंक यू।